एक जो मेजर कंसर्न पेशेंट्स का रहता है, जो उनको बॉदर करता रहता है, वो ये रहता है कि क्या गायनेकोमेजिया का होना नॉर्मल है या नहीं। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर। देखिए, गायनेकोमेजिया एक सिचुएशन है जिसके अंदर की मेल ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, और उसका जो कारण होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी हार्मोनल इम्बैलेंस होना, यानी कि ये फिजियोलॉजिकल सिचुएशन होती है। बट स्पेसिफिकली जब हम चेस्ट की शेप की बात करें तो डेफिनेटली गायनेकोमेजिया एक डेविएशन है टोटल नॉर्मेलिटी से, और ये एक एब्सोल्युटली नॉर्मल सिचुएशन भी नहीं है। और जो पेशेंट्स हैं उनका जो एम रहता है उसमें वो यही रहता है कि उन्हें वापस एक नॉर्मल फ्लैट चेस्ट मिले जो कि मिनिमम स्कारिंग के साथ मिले। पेशेंट्स जब हमें विजिट करते हैं गायनेकोमेजिया की कंसल्टेशन के लिए, तो मोस्ट कॉमनली जो कंसर्न जो पेशेंट्स के हमने देखे हैं वो होते हैं साइकोलॉजिकल, और वो होते हैं सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड। पेशेंट कहीं ना कहीं उस गायनेकोमेजिया डेवलपमेंट की वजह से, चेस्ट की थोड़ी सी एबनॉर्मल शेप की वजह से, जो ब्रेस्ट का साइज जो एनलार्ज्ड होता है उसकी वजह से एक नेगेटिव साइकी डेवलप कर लेते हैं, और उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे कपड़े चेंज करने में, स्विमिंग करने में। वो अपना जो कपड़े पहनने का तरीका है वो ऑल्टर कर लेते हैं, वो इस तरह से कपड़े पहनते हैं जिससे कि वो किसी ना किसी तरह से जो ब्रेस्ट का साइज़ है उसे कवर कर सकें। वो अपना बॉडी पोस्चर इस तरह का मेंटेन करते हैं कि शोल्डर्स को ड्रूप कर लेते हैं, या फिर टमी पे फैट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं जिससे कि जो चेस्ट का जो फैट है या जो बढ़ा हुआ साइज़ है ब्रेस्ट का, वो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर थोड़ा सा कम अपीयरेंस में आए और कम विजिबल हो। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी जो सेल्फ एस्टीम होती है उसे थोड़ा लो कर लेते हैं, और वो ये फील करते हैं कि जो उनका जो चेस्ट का जो साइज़ है, ब्रेस्ट का जो शेप है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और इसका अगर हम बात करें तो कारण कहीं ना कहीं रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कारण रहता है वो रहता है पीयर्स के साथ बुलिंग, यानी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उन्हें बुली किए हुए होते हैं पास्ट में, कुछ फिजिकल थोड़ा बहुत एक मिसहैप हुआ होता है उनके साथ जो कि उन पे इम्प्रिंट छोड़ जाता है, और उन्हें बार बार बॉदर करता है कि चेस्ट का शेप नॉर्मल नहीं है, ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो नॉर्मल नहीं है। गायनेकोमेजिया के बारे में या इस वीडियो के बारे में यदि आपकी और भी कुछ क्वेरीज हो तो आप नीचे लिखे हमारे फ़ोन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी पे हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने जो क्वेश्चंस और क्वेरीज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं, और हम जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे इन क्वेरीज़ और क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने की। थैंक यू।